अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। वेलकम बैक अगेन इन सेकेंड सेमेस्टर ऑल ऑफ यू। सो सेकेंड सेमेस्टर में हम इंग्लिश कोड 112 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस कोड में हमें फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन वैसे ही पढ़नी पड़ेगी जैसे हमने पहले 11 चैप्टर्स पढ़े थे। तो अब यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 12 टिल चैप्टर नंबर 19, तो प्रैक्टिस यूनिट है चैप्टर नंबर 19 तक 8 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। और सेम उसी तरीके से है ये भी, ठीक है। चैप्टर वाइज जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और साथ में हम इसकी जो है कंप्लीट ट्रांसलेशन आपको समझाई जाएगी और उसके साथ आपको इसकी जो है सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि अगर एग्ज़ाम में बेसिकली इस बुक में से या तो 30 मार्क्स का पेपर आ जाता है, अगर इस बुक से पेपर नहीं आता तो वो 30 मार्क्स का कोई भी कंप्रिहेंशन पैसेज दे देते हैं, नीचे क्वेश्चन आंसर दे देते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। और अगर इनकी चॉइस होती है, ठीक है, उनके पास चॉइस होती है, या तो वो ये दे देते हैं या फिर वो दे देते हैं। तो हमें हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इसीलिए हमें फोकस ऑन कंप्रिहेंशन पढ़ाई जाती है, ताकि हम यहाँ से क्वेश्चन आए तो वेल एंड गुड है कि हमने तैयार किया हुआ तो हम सॉल्व कर देंगे। अगर कोई अपने पास ही, जैसे उन्होंने आपको सेमेस्टर वन में पेपर दिया, पेपर में क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर वन पैसेज दे दिया अपने पास से, तो क्या हुआ उसमें आप लोगों ने अपनी एफर्ट से उसको जो है सॉल्व कर लिया उसके क्वेश्चन आंसर्स को। तो वो आप कैसे सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपने सेमेस्टर वन में जो है फोकस ऑन कंप्रिहेंशन के काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़ लिए थे, काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे और लास्ट पे क्वेश्चन आंसर भी आपने खुद ही सॉल्व किए थे एक्सरसाइज चैप्टर्स में से फाइंड आउट करके, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से आपको समझाएँ इसके जो 7-8 यूनिट्स हैं, ठीक है। और पैराग्राफ राइटिंग इस सेमेस्टर में जी आपको पैराग्राफ राइटिंग का वही तरीका है, उसी तरीके से कोई भी टॉपिक आ जाएगा तो आपने उस पर पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद है इसमें नई चीज़ आई है, इसमें स्टडी स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स हैं, वो भी मैं आपसे ज़रूर इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। और वोकेबलरी बिल्डिंग स्किल्स यानी कि गेट वर्ड्स हैं, ठीक है, पहले यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह।